देखिएगा, देखिए मान लीजिए हमारे पास कभी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हमारे को पूछ लिया जाए कि टाइप ऑफ गेमेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ जाइगोट या ऑफस्प्रिंग कितने बनते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने हो सकते हैं, जीनोटाइप कितने हो सकते हैं, जेनेटिक रेशियो और आपके फिनोटिपिक रेशियो किस तरह से हो सकती है, तो जरा उस चीज को देखने की कोशिश करिएगा उसको किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रेट्स हाइब्रिड के, तो ये एन से हमने किया हुआ है डिनोट यहां पर, और एक्सपेरिमेंट मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस है। आपको इससे चीजें ज्यादा याद नहीं रखनी, आपने याद रखना है हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइप ऑफ गेमिट्स, नंबर ऑफ जाइगोट और ऑफस्प्रिंग्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो देखिए टाइप ऑफ गेमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए यू आर हैविंग अ फॉर्मूला दैट इज 2 to the power n। एन क्या है जी, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ हिट्रोजाइगस स्टेट अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये वाला पर्टिकुलर क्रॉस है, तो क्रॉस करने के बाद भी एग्जैक्टली में हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हिट्रोजाइगस स्टेट कितनी आएगी, एक आएगी। तो एन की वैल्यू जो होगी वो आपके पास में नंबर ऑफ हिट्रोजाइगस स्टेट होगी, तो दैट इज 2 to the power 1। तो आपके पास में नंबर ऑफ जाइगोट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्लियर हो गए जी, क्योंकि सेग्रीगेशन हो जाती है ना, हमें मालूम है सेग्रीगेशन हो गई थी ड्यूरिंग दी गैमीट फॉर्मेशन आपके पास अलील की, तो उसके बाद पनेट स्क्वायर बनाएंगे, पनेट स्क्वायर से आपको नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या जाइगोट कैलकुलेट करने का या गैमीट कैलकुलेट करने से आपको नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग किस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं वो भी सिंपल है। आपके पास जितने नंबर ऑफ गैमीट बनेंगे उनके आपके पास में स्क्वायर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास टाइप ऑफ गैमीट कितने बने थे, यहां पर 2 बने, तो आपके पास 2 to the power का 2 हो गया, क्योंकि 2 आपके पास क्या है, टाइप ऑफ गैमीट है, तो गैमीट का स्क्वायर करना हमें, तो आपके नंबर ऑफ स्प्रिंग कितने हो गए, दैट इज 4। ठीक है, उसी के साथ में आपके पास नंबर ऑफ फिनोटाइप कैलकुलेट करने हो तो वो भी 2 to the power n से ही कैलकुलेट करेंगे, तो n आपके पास हिट्रोजाइगस स्टेट है, तो आपके 2 to the power 1 इक्वल टू नंबर ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट करने हो तो 3 to the power n। n हमेशा आपके पास में क्या रहेगी, दैट इज हिट्रोजाइगस स्टेट आपके पास कितनी है, ये क्लियर होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट इज 3:1, हमने पहले भी देखा था, जो जीनोटिपिक रेशियो है दैट इज 1:2:1 होती है। क्लियर, सेम आपके पास डाईहाइब्रिड क्रॉस में अगर चलेंगे तो नंबर ऑफ हिट्रोजाइगस स्टेट कितनी आती है, 2 आएंगी, तो 2 to the power 2 इक्वल टू 4, 4 आपके पास टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो आपको मिलेंगे दैट इज नंबर ऑफ जाइगोट और ऑफस्प्रिंग दैट इज इक्वल 16। नंबर ऑफ फिनोटाइप करेंगे तो आपके पास 2 to the power 2 हो गया, 2 आपके पास हिट्रोजाइगस स्टेट है, इक्वल हो गई 4, और नंबर ऑफ जीनोटाइप होंगे 3 to the power 2 दैट इज इक्वल 9। और यहां पर आपके यहाँ फिनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 3:1 जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आएगा उसकी स्क्वेयरिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो स्क्वेयरिंग करने पर आपको मिल गई फिनोटिपिक रेशियो दैट इज 3:9:3:3:1, और आपके पास जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए आपके पास 1:2:1 का स्क्वायर करना शुरू कर देंगे, जो आपके पास जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए तो आएगी आपके पास 2:4:2:1, 2:1:1:2:1। तो ध्यान दीजिएगा ये आपसे बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन है अगर कभी पूछा जाए कि जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अलावा डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज तो समझ आ गई, ये जो आपके पास 2 to the power n है या आपके पास गेमीट का स्क्वायर है, 2 to the power यहाँ फिनोटिपिक के लिए लिखी हुई है n है, या नंबर ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट करने की 3 to the power n है। n क्या है जी, नंबर ऑफ हिट्रोजाइगस स्टेट उस क्रॉस में कितनी अवेलेबल है, तो ये पक्का से ध्यान देकर चलिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलें जी, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछी जाती है वो है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में। जरा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है, जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। बैक क्रॉस क्या है, अ बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल्स आर क्रॉस्ड विद एनी ऑफ देयर पेरेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये, यहां पर चलते हैं, मान लो ये आपके पास कैपिटल ए और ये आपके पास कैपिटल ए था, शुरुआत में आपके पास जो पेरेंट है वो आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट टाइप का है, उसको क्रॉस करवा रहे थे हम बेसिकली आपके पास स्मॉल ए और आपके पास स्मॉल ए दैट इज होमोजाइगर रिसेसिव स्टेट के साथ में। तो होगा क्या जी, आपके पास F1 हाइब्रिड जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, कैपिटल ए और आपके पास में दैट इज स्मॉल ए, यही होगा ना। ठीक है,
अब देखो क्या बोलता है, इस F1 हाइब्रिड की हम वापिस से क्रॉसिंग करवाएं आइदर ऑफ द पेरेंट, चाहे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में, तो ये कहलाएगा आपके पास दैट इज अ बैक क्रॉसर। ध्यान दीजिए वर्डिंग्स क्या क्या लिखी गई हैं, आपके पास में ये क्रॉस के अंदर F1 इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवा रहे हैं हम किसी भी पेरेंट के साथ में, किसी भी पेरेंट, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, चाहे वो होमोजाइगस रिसेसिव हो, चाहे हिटरोजाइगस स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में होगा तो उसी पर्टिकुलर आपके पास पेरेंट के साथ में F1 हाइब्रिड को या इंडिविजुअल्स को हम क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे। अब होगा क्या, जरा ध्यान दीजिए यहां से रिलेट करते हुए, अगर आपके पास में F1 इंडिविजुअल है उनको हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उस स्पेसिफिक बैक क्रॉस को हम आउट क्रॉस कहते हैं। ध्यान दीजिए वर्ड क्या यूज की है, आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ बैक क्रॉस जिसके अंदर आपके पास F1 इंडिविजुअल को डोमिनेंट पेरेंट के साथ में हम क्रॉस करवाते हैं, ऐसे पर्टिकुलर क्रॉस को हम दैट इज आउट क्रॉस कहते हैं। क्लियर हो गए जी, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होगा कि आने वाली जनरेशन में आपके पास जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें डोमिनेंट करेक्टर ज्यादा होंगे और रिसेसिव करेक्टर आपके पास में कम होंगे। अगर आपको याद हो जब स्ट्रेटेजिकल एनहांसमेंट इन दी फूड प्रोडक्शन हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं जैसे ही आपके पास 4 to 6 जनरेशन के बाद में आपके पास प्योर लाइन्स आपके पास में क्रॉस करवाई जाएंगी तो होगा क्या, दैट विल बी अ इनब्रीडिंग डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब विगर जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, डोमिनेंट करेक्टर्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में F1 हाइब्रिड को हम डोमिनेंट वाले पेरेंट के साथ में क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे तो आपके पास डोमिनेंट करेक्टर ही ऑफस्प्रिंग में आएगा, लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर करेक्टर नहीं होगी, मीन बाय इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएंगे। क्लियर। उसके अलावा दूसरा क्रॉस आती है जिसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो देखिएगा टेस्ट क्रॉस में क्या हुआ, F1 जो प्रोजेनी होगी उसको आप बेसिकली रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाएंगे, डोमिनेंट के साथ में नहीं। आउट क्रॉस में क्या हुआ, आपके पास में F1 हाइब्रिड को हमने डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस में हमने बेसिकली F1 हाइब्रिड को हमने रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाया। अब होगा क्या, जरा देखो, द टोटल जनरेशन ओबटेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉस 50% हैविंग डोमिनेंट करेक्टर एंड 50% हैविंग द रिसेसिव करेक्टर, मीन बाय आपके पास रेशियो शुड ऑलवेज बी दैट इज 1:1:1। ठीक है जी, 1:1 ही आएगी जी मोनो हाइब्रिड के लिए, और डाई हाइब्रिड के लिए क्या आएगी, दैट इज 1:1:1:1। ध्यान दीजिएगा फिर से, अब आपके पास चाहे बैक क्रॉस हो, चाहे आउट क्रॉस हो, चाहे टेस्ट क्रॉस हो, सबके अंदर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो होती है वो सिमिलर रहती है और हमेशा वो रेशियो होगी, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए 1:1 और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 1:1:1:1। आप इस चीज को क्रॉस कर भी देख सकते हैं, जो नॉर्मल हमने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन आती है उसको आप किसी भी पेरेंट के साथ में, चाहे डोमिनेंट के साथ में क्रॉस करा लीजिए, चाहे रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस करा लीजिए, जो आपको पर्टिकुलरली एग्जैक्टली में रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम मिलेंगे और रेशियो मिलेगी 1:1:1:1 डाईहाइब्रिड में और मोनोहाइब्रिड में 1:1। तो ध्यान दीजिएगा यहां से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। अब इस टेस्ट क्रॉस से फायदा क्या होता है, टेस्ट क्रॉस से फायदा है इट बेसिकली हेल्प टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल। डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप हमें पता करने में टेस्ट क्रॉस हेल्प करती है और ये भी पता करने में हेल्प करती है कि वो होमोजाइगस स्टेट में है या आपके पास हिटरोजाइगस स्टेट में है। तो ये भी ध्यान देकर चलिएगा कि हमें दो चीजों के बारे में पता लगा टेस्ट क्रॉस से, एक चीज पता लगी है कि आपके पास में जीनोटाइप डोमिनेंट इंडिविजुअल का कैसा है, या वो आपके पास होमोजाइगस स्टेट में होगा या हिटरोजाइगस में, तो ये भी चीजों के बारे में हम पता कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस में। अब ध्यान दीजिएगा, आउट क्रॉस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ बैक क्रॉस। क्यों, क्योंकि बैक क्रॉस में F1 इंडिविजुअल किसी भी आपके पास पेरेंट के साथ में क्रॉस किए जा सकते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो। अगर डोमिनेंट के साथ स्पेसिफिकली क्रॉस करेंगे तो हम उसको आउट क्रॉस स्पेसिफिकली कहते हैं, और अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ कहेंगे तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे बैक क्रॉस हो, आउट क्रॉस हो, चाहे टेस्ट क्रॉस हो, रेशियो इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी 1:1 एंड इन अ पर्टिकुलर डाईहाइब्रिड क्रॉस इट विल बी 1:1:1:1। दैट कैन बी जीनोटिपिक, दैट कैन बी फिनोटिपिक, इट शुड ऑलवेज बी सिमिलर।
उसके बाद आते हैं आपके पास एक्सेप्शन टू द कंक्लूजन ऑफ मेंडल। मेंडल ने जो आपके पास कंक्लूजन मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंगली दी थी, उसके लिए सर्टेन एक्सेप्शन जो बाद में हमने नोट डाउन किए हैं वो कौन कौन सी आती है, देखिए। तो पहला चीज पढ़ेंगे एक्सेप्शन टू द डोमिनेंस, ठीक है जी। तो हमें पहले पता है कि हमेशा मेंडल जो था ये बोलता था कि जो आपके पास डोमिनेंट वाले पर्टिकुलरली एलील्स होते हैं वो रिसेसिव वाले के एक्सप्रेशन को आने नहीं देते हैं, तो इसीलिए वो डोमिनेंट हो जाएगा और जो जिसका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है वो आपके पास में रिसेसिव है। याद रखिएगा मेंडल के रूल तब तक ही वैलिड हैं जब तक आपके पास में अलील के जो जीन लोकस हैं वो सिमिलर होंगे। अगर जीन लोकस डिफरेंट हो जाएंगे तो मेंडल के लॉज वैलिड नहीं होंगे, ये पक्का से ध्यान रखते हुए चलिएगा। अब देखिएगा एक्सेप्शन टू द डोमिनेंस में दो एक्सेप्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरी आती है कोडोमिनेंस। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहली चीज है आपके पास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो वर्ड ही अपने आप में बता रहा है कि डोमिनेंस पूरी तरह से नहीं होगी। इसका मतलब यह है जो आपके पास में डोमिनेंट अलील होगा वो रिसेसिव वाले अलील के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाएगा। मीन बाय कहीं ना कहीं आपके पास में रिसेसिव और डोमिनेंट वाले अलील का एग्जैक्टली में ब्लेंडेड अपियरेंस वाले आपके पास करेक्टर अपियर होकर नई जनरेशन में आएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर लिखा गया हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस डोमिनेंट करेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। क्योंकि हमें मालूम है, हमने ये पहले भी कहा था कि डोमिनेंसी के बारे में हम कब पता कर सकते हैं जब हिट्रोजाइगस स्टेट हो, तो आपके पास F1 जनरेशन में ही हिट्रोजाइगस स्टेट आएंगी क्योंकि मेंडल ने जो क्रॉसिंग करवाई थी वो प्योर होमोजाइगस स्टेट और प्योर आपके पास डोमिनेंट होमोजाइगस और प्योर आपके पास में रिसेसिव होमोजाइगस स्टेट के बीच में करवाई थी। तो इसका मतलब F1 हाइब्रिड में आपके पास में क्या आएंगे, दैट इज पर्टिकुलरली हिट्रोजाइगस स्टेट, तभी जाकर डोमिनेंसी के बारे में पता लगता है। लेकिन क्या लिखा है, इन सम ऑर्गेनिज्म F1 जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। देखिएगा अब क्या है, बोथ फैक्टर्स सच एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बट डोमिनेंट फैक्टर्स आर अनएबल टू एक्सप्रेस देयर करेक्टर कंप्लीटली रिजल्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन इज फॉर्म्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट। बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि आपके पास जो डोमिनेंट वाला एग्जैक्टली में करेक्टर है या फैक्टर है वो एग्जैक्टली में अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और पर्टिकुलरली आपके पास रिसेसिव वाले करेक्टर के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से सप्रेस नहीं करवा पा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पहली बार डिस्कवर किया था कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा के अंदर, जिसको हम पर्टिकुलर 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं या गुलियबंस भी कहते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो एग्जैक्टली में मिराबिलिस जलापा में हुआ वो क्या था, जरा देखो। देखो क्या लिखता है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मिराबिलिस जलापा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर कलर। फ्लावर कलर के अकॉर्डिंगली आपके पास 3 तरह के प्लांट आपके पास में मिराबिलिस जलापा में होते हैं, एक रेड व्हाइट और पिंक कलर के फ्लावर। क्लियर होगा जी। तो वेन plants with red flower is crossed with white flower, pink flower is obtained in F1 generation. Otherwise, तो आपके पास F1 generation में exactly में कौन से वाले color के flower आने चाहिए थे, red वाले, क्योंकि red is dominant over the white. Clear है? लेकिन हुआ क्या? The reason for this is that genes of red color incompletely dominant over the genes of white color. इसका मतलब ये हुआ, रेड कलर वाले जो आपके पास जीन्स हैं वो पूरी तरह से डोमिनेंसी शो नहीं कर पाए हैं व्हाइट कलर वाले जीन्स के ऊपर, इसीलिए एग्जैक्टली में आपके पास में मिंगल्ड अपियरेंस आई है या आपके पास ब्लेंडेड अपियरेंस आई। ब्लेंडेड का मतलब मिक्स्ड अपियरेंस आई है। तो देखिए क्या हुआ, व्हेन द F1 जनरेशन ऑफ पिंक फ्लावर इज सेल्फ पॉलिनेटेड द फिनोटिपिक रेशियो और F2 जनरेशन इज रेड pink and white, that is in the ratio, that is 1:2:1 in place of a normal monohybrid cross, that is 3:1. अब देखो ये बहुत common example यहाँ पर लिखा हो, ये आपका red color के flower होंगे, तो exactly में आपके homozygous dominant state आपने इस तरह से लिखी, और white color के flower होंगे, तो आपने इस तरह से आपके पास ये homozygous recessive state लिखी। रेड यहां पर लग रहा है कि डोमिनेंट किसके ऊपर होना चाहिए, व्हाइट के ऊपर होना चाहिए, लेकिन जब एग्जैक्टली में F1 हाइब्रिड में फ्लावर्स देखे गए तो वो पिंक कलर के थे, और इसका मतलब एग्जैक्टली में ये था
कि ये कैपिटल आर जो है इसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से नहीं आया है और इस स्मॉल वाले आर को उसको पूरी तरह से सप्रेस नहीं करवा पाया है, इसीलिए एग्जैक्टली में दोनों के जीन्स मिक्स हो गए और आपके पास जो करेक्टर निकल कर आया वो पिंक कलर का था। एग्जैक्टली में आपके पास होना कैसा चाहिए था, रेड कलर का, लेकिन आया कैसे, दैट इज पिंक कलर का। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवा दीजिए तो सेग्रीगेशन ऑफ आपके पास गैमीट हो जाएगी, तो आपके पनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंगली आपको ये जीनोटाइप निकलते हुए दिखेंगे। तो आपके पास ये एक जीनोटाइप निकला, एक जीनोटाइप ये निकला और एक जीनोटाइप ये निकला। रेशो कितनी आई, दैट इज 1:2:1। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपके पास जीनोटिपिक रेशियो है, दैट इज 1:2:1। तो एक जीनोटाइप ये रहा, एक जीनोटाइप ये रहा, एक जीनोटाइप। लेकिन अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछे तो फिनोटिपिक रेशियो भी सिमिलर ही होगी, कोई अंतर तो नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके पास ब्लेंडेड अपियरेंस आई है ना, मिक्स्ड अपियरेंस आई है। तो पिंक कलर के फ्लावर कितने हैं आपके पास, 2, रेड कलर के फ्लावर कितने हैं, 1, और व्हाइट कलर के फ्लावर कितने हैं, वो भी 1। तो 1:2:1 फिनोटिपिक रेशो भी है और 1:2:1 जीनोटिपिक रेशो भी है। तो ये पक्का से ध्यान देते हुए चलिएगा कि मिराबिलिस जलापा जो आपके पास, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे कॉरेंस ने, वो आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। इसके अलावा एंटीराइनम मेजस, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम पर्टिकुलर स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर कहते हैं, ये भी सिमिलर आपके पास जैसे मिराबिलिस जलापा में फ्लावर होते हैं, वैसे ही पर्टिकुलर फ्लावर इस डॉग फ्लावर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जांपल किस चीज का है आपके पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसके अलावा एंडोलिसियन फाउल्स, एंडोलिसियन फाउल में जो फेदर कलर होती है वो आपके पास में एग्जांपल आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जहां पर आपके पास में देखिएगा ब्लैक कलर फाउल जो होते हैं जब उनको व्हाइट कलर फाउल के साथ में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जो जनरेशन आती है वो ब्लू कलर की आती है, अदरवाइज आनी कैसी चाहिए थी, दैट इज ब्लैक कलर की। इसका मतलब ब्लैक कलर वाले जो जीन है वो पूरी तरह से डोमिनेंसी शो नहीं कर पाते हैं व्हाइट कलर वाले जीन्स के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंडोलिसियन फाउल। सेकंड आपके पास एंटीराइनम मेजस या डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन फ्लावर, और थर्ड आपके पास में मिराबिलिस जलापा। चलेगा, सेकंड एक्सेप्शन आती है आपके पास को डोमिनेंस की। तो देखिए को डोमिनेंस में क्या होगा, आपके पास में एग्जैक्टली में जो आपके पास दो जीन्स हैं या अलील्स हैं, अब हम पहले ये कह रहे थे कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, अब यहां पर ऐसा है कि दोनों के दोनों अलील जो हैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब एग्जैक्टली में ऐसा क्यों है, देखो मैं बहुत कॉमन इस चीज को बताता हूं। देखो आपके पास में जीन लोकस उन अलील के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो इसका मतलब यह हुआ एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर अलग जगह पे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति एक अलग जगह पे खड़ा है, तो आप उन दोनों के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दोनों अपनी अपनी स्टेट में डोमिनेंट है। सेम यहां पर फंडामेंटल वही है कि जीन लोकस पूरी तरह से डिफरेंट हो गए क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के दोनों एग्जैक्टली में अलील अपनी अपनी जगह पर अपना अपना एक्सप्रेशन पूरी तरह से दे सकते हैं, और जब पर्टिकुलर वो अपने आप एक दूसरे के साथ में मिल भी जाएंगे तो भी अपना एक्सप्रेशन नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए हुआ क्या, देखो कोडोमिनेंस में इन दिस फिनोमेना बोथ द जीन्स एज एक्सप्रेस्ड फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर इन F1 हाइब्रिड प्रोजेनी, जो आपके पास में दोनों के दोनों जीन होंगे पर्टिकुलर करेक्टर के लिए F1 जनरेशन में वो अपना करेक्टर या एक्सप्रेशन पूरी तरह से शो करेंगे। तो ये पर्टिकुलर आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब आपके पास चाहे कोडोमिनेंस हो चाहे आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, फिनोटिपिक हो चाहे जीनोटिपिक रेशो हो, हमेशा वो 1:2:1 ही रहेगी, ये आपने पक्का से ध्यान देना है। अब देखिएगा आपके पास ये बहुत कॉमन एग्जांपल पूछी जाती है जो है आपके पास में, यहां देखिएगा दैट इज कोट कलर इन द एनिमल्स, ये एग्जांपल आती है आपके पास कोडोमिनेंस में, जहां पर यहां पर देखिएगा व्हेन अ ब्लैक पेरेंट इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट पेरेंट रोन कलर F1 प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड। ध्यान दीजिएगा रोन कलर, अब वो ग्रेइश वाली जो अभी अभी बात कर रहे थे, ठीक है, ग्रेइश प्रोजेनी आपके पास में निकल कर आएगी। तो यहां पर देखिएगा ये आपके पास ब्लैक है, ये आपके पास व्हाइट है, दोनों अपनी जगह पर डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, और जब F1 हाइब्रिड आएगा तो भी दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन पूरी तरह से शो करते रहेंगे, लेकिन जो करेक्टर आएगा वो आपके पास पेरेंट से टोटली डिफरेंट आता है। जब उसकी आपके पास सेल्फिंग कराई जाएगी तो आपके पास ब्लैक वाले आएंगे 1,
रोन कलर वाले आएंगे आपके पास 2 और व्हाइट वाले आएंगे आपके पास 1, तो रेशो निकल कर आएगी, दैट इज 1:2:1 इन द कोडोमिनेंट स्टेट, ऑल्सो इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो चाहे कोडोमिनेंस हो, इट इज एन एक्सेप्शन टू अ रूल और द कंक्लूजन ऑफ अ dominance that is being set by the Mendel, and the genotypic and phenotypic ratio which should always remain same, that is 1:2:1। ये पक्का से ध्यान देते हुए आपने चलना है। सीड आप सॉरी जो आपके पास स्किन कोट कलर है आपके पास, वो एग्जैक्टली में एग्जाम्पल आती है दैट इज कोडोमिनेंस की, और आपके पास जो यहाँ पर फेदर वाला जो एग्जैक्टली में कलर था वो एग्जाम्पल आती है आपके पास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो दोनों में कहीं कंफ्यूजन मत कर दीजिएगा। कोट कलर एनिमल्स के अंदर एग्जैक्टली में एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, और फेदर कलर जो है वो आपके पास एग्जांपल है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसके अलावा आपके पास जो कोडोमिनेंस के एग्जांपल आते हैं वो है एबी ब्लड ग्रुप आपके पास, ये ध्यान देकर चलिएगा, और कैरियर जो होते हैं सिकल सेल एनीमिया जिसमें आपके पास एडल्ट हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है एग्जैक्टली में आपके पास पाया जाता है, वो आपके पास दोनों एग्जाम्पल फिर से किसके हैं, कोडोमिनेंस के। मीन बाय अडल्ट हीमोग्लोबिन भी डोमिनेंट है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी एक ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट है, ठीक है जी। तो कैरियर में ये पर्टिकुलर ऐसा होता है, तो कैरियर जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं आपके पास दैट इज कोडोमिनेंस का। ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप भी डोमिनेंट है, बी ब्लड ग्रुप भी डोमिनेंट है, इसीलिए एग्जैक्टली ब्लड ग्रुप ही क्या लिखा गया, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ये भी एग्जाम्पल आपके पास कोडोमिनेंस का ही है। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखा है स्पेशल नोट में, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस करेक्टर आर ब्लेंडेड फिनोटिपिकली। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि करेक्टर जो है ब्लेंड का मतलब मिक्स्ड है फिनोटिपिकली, व्हाइल इन कोडोमिनेंस बोथ द जीन्स ऑफ अ पेयर एग्जिबिट बोथ द करेक्टर एंड इफेक्ट ऑफ बोथ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ध्यान दीजिए क्या चीज लिखा हुआ है, यहां ये चीज लिखी हुई है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब आपके पास ब्लेंडिंग होगी तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वो आपके पास में चेंज हो जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना। लेकिन कोडोमिनेंस में आपके पास एग्जैक्टली में क्या होने वाला है, एक दूसरे के एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है अनलेस एंड अंटिल वो दोनों पूरी तरह से मिक्स्ड हो जाते हैं, ये ध्यान देते हुए आपने चलना है, चलेगा। उसके बाद आती है आपके पास में सेकंड, जो हमने कंक्लूजन पढ़ा था मेंडल का वो था दैट इज कंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन के लिए कोई भी एक्सेप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान देखनी है, जरा देखिए, द सेग्रीगेशन इज एसेंशियल ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेग्रीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या बताई गई है आपके पास में, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मियोटिक डिवीजन आएगी वो आपके पास में सेग्रीगेशन के थ्रू ही आती है। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, अगर एक्सेप्शन कभी कभार आपसे पूछ ली जाए तो देखो, हम ये पढ़ते हैं ना कि एग्जैक्टली में क्रॉस ओवर हैपन होती है, और क्रॉस ओवर हैपन होने के बाद जब मिक्सिंग ऑफ जीन हो जाती है तो क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो उसी को सेग्रीगेशन करना कहते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ना हो कभी, तो वो आपके पास में कंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेशन की एक एक्सेप्शन मानी जाती है, जिसको हम नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या हुआ, आपके पास जीन जो है वो ओवरलैप करना शुरू हो गए, क्रोमोसोम ओवरलैप करना शुरू हो गए, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद जब जीन जो है वो ओवरलैप हो गए हैं उसके बाद वो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज की जाती है दैट इज नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज एन एक्सेप्शन टू द कंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेशन, ये ध्यान देते हुए चलिएगा, क्योंकि यहां से कभी कभार में क्वेश्चन पूछी जाती है। लेकिन एज सच में कंक्लूजन टू द सेग्रीगेशन की कोई एक्सेप्शन हमारे पास किसी भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली अवेलेबल नहीं है, तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना चलेगा। थर्ड थी आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो है आपके पास में दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने बताई थी, उसके अगेंस्ट में जो एक्सेप्शन हमारे पास अवेलेबल है, और ये मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट है आपके पास इस मेंडल का, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कंक्लूजन आपके पास जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थी उसकी जो एक्सेप्शन है हमारे पास में वो है लिंकेज, ध्यान दीजिएगा, लिंकेज या लिंक्ड जीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर देखिएगा जरा, लिंकेज है क्या, तो लिंकेज है द टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर
इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इससे क्या समझे, देखिए जरा सा, ये आपके पास में पर्टिकुलर, जब हमने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हुआ था, जो गैमीट थे वो अलग अलग हो गए थे। अब अलग अलग होने के बाद में एग्जैक्टली में एफ टू जनरेशन के अंदर एग्जैक्टली में उन्होंने एफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन करवाकर एग्जैक्टली में नए नए जीनोटाइप हमारे को बना कर दिए थे। अब होगा क्या, यहां पर यह लिखा हुआ है कि दो जीन अपने आप में सेपरेट नहीं हो पाएंगे, मीन बाय गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में एग्जैक्टली में कोई भी सेग्रीगेशन का फंडामेंटल फॉलो नहीं होगी। अब अगर फंडामेंटल ही फॉलो नहीं होगी, इसका मतलब यह हुआ जो जीन एज सच पहले से पेयर में पाए जा रहे थे वो एज सच ही आपके पास एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव ऑन कर चले जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। अब उस फंडामेंटल को कैसे पता कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम है, देखो बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक क्रोमोजोम है, मान लीजिए ये आपके पास में होमोलोगस क्रोमोजोम, ये दूसरे वाला है, तो ये उसकी आर्म है, ऐसे होती हैं जी क्रोमोजोम की आर्म, सबने पढ़ी हुई है। अब जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, मैं आपको क्या चीज यहां से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया जी, तो मान लीजिए ये पर्टिकुलर दो जीन इस क्रोमोजोम पर अवेलेबल है, तो ये मान लीजिए कैपिटल ए है और ये मान लीजिए आपके पास कैपिटल बी है, यहां पर है, तो दोनों जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना दोनों जीन के बीच का, इसका मतलब जो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम की आर्म होगी वो आपके पास क्रॉसओवर बहुत आसानी से शो कर सकती है, कर देगी ना, ये वाली आर्म बहुत आसानी से क्रॉसओवर शो कर सकती है, क्योंकि दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास बहुत ज्यादा है, इसलिए जीन को सेग्रीगेट करना बहुत ज्यादा आसान होगा गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास ये डिस्टेंस कम होता जाए, मान लीजिए डिस्टेंस इतना रह गया, ये अभी थोड़ा और हम वो कर रहे हैं, डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये चीज आ गई, तो इस क्रोमोसोम की आर्म को ओवरलैप करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन अभी भी ये सेग्रीगेट करवाने में हेल्पफुल होगी इन दोनों जीन को अलग अलग करवाने में। लेकिन मान लीजिए अब तीसरी कंडीशन में ऐसा हो जाए कि एग्जैक्टली में ए और जो बी जीन है हमारे पास में वो ऑलमोस्ट एक ही जीन लोकस पर अवेलेबल है, मान लीजिए ए और बी ये सेम पर आ गए, तो क्या ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम की आर्म जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की, क्या ए और बी जीन को सेग्रीगेट कर पाएगी, असंभव, पूरी तरह से असंभव, हो ही नहीं पाएगी सेग्रीगेशन। और इसी वजह से एग्जैक्टली में ए और बी जीन क्योंकि सेम लोकस पर ही एग्जैक्टली में अवेलेबल होंगे तो वो एग्जैक्टली में सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और एज सच एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे, जो पर्टिकुलरली नहीं होना चाहिए था, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बिल्कुल अपोजिट चीज हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। अब जरा ध्यान दीजिए क्या लिखता है लिंकेज में, कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ अ करेक्टर इज कॉल्ड एज लिंकेज, मीन बाय पेरेंटल आपके पास जो कॉम्बिनेशंस पहले से अवेलेबल होंगी उनमें कोई मिक्सिंग नहीं होने वाली अब, क्योंकि मिक्सिंग तो तब होती जब क्रॉसओवर होता, अब एग्जैक्टली में लिंकेज में क्रॉसओवर होने के चांसेस डिक्रीज होते जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन जो जीन होगी वो आपके पास कम होती जाएगी, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि दो जीन एक दूसरे के साथ में हमेशा लिंक रहेंगे और ये कभी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो दोनों के दोनों जीन जो एग्जैक्टली में क्रॉसओवर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और एज सच एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं, ऐसे पर्टिकुलर जीन को हम लिंक्ड जीन कहते हैं और फिनोमेना को हम लिंकेज कहते हैं। और फिर से पढ़ लीजिए क्या लिखा है, कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ अ करेक्टर, जो एक पर्टिकुलर करेक्टर पेरेंट में पाया जा रहा है वो पूरा का पूरा करेक्टर ही एज सच में आपके पास ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसा माइटोसिस में हो रहा था, तो ये भी पर्टिकुलर आपके पास में चीज पता होनी चाहिए। ये बेटेसन और आपके पास पनेट ने पहली बार जो आपके पास स्वीट पी थी उसमें इसकी ऑब्जर्वेशन की थी, जिसको हम लेथायरस ऑडोरेटस कहते हैं, और उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना के बारे में भी हमें बताया था, इसको तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, वैसे मैं इसको ड्रॉपर्स में डिस्कस करता हूं तो मैंने एक बार बताया भी है, ठीक है।
बट उन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन नहीं की, जरा ध्यान दीजिएगा, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ लिंकेज। ये लिंकेज होती क्या है और किस तरह से होती है एग्जैक्टली में, इस फिनोमेना के बारे में वो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने लिंकेज को पहली बार लिथायरस ऑडोरेटस के अंदर पहली बार ऑब्जर्व कर लिया था, और उन्होंने कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए जो वर्ड बताई थी वो थी लिंकेज। कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना के बारे में, ये थ्योरी के बारे में भी उन्होंने हमें बताया। उसके बाद में मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेक्स लिंकेज को पहली बार डिस्कवर किया ड्रोसोफिला के अंदर, और लिंकेज टर्म एग्जैक्टली में क्वाइन की। तो ध्यान दीजिए, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज को एग्जैक्टली में डिस्कवर किया, और उन्होंने थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में हमें बताया जब ड्रोसोफिला के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और लिंकेज टर्म उन्होंने ही हमें क्वाइन कर दी है। इसीलिए मॉर्गन की कॉन्ट्रीब्यूशन जो एग्जैक्टली में लिंकेज में हमारे पास में, या थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में हमारे को पता लगती है, उसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आज की डेट में जो डिस्टेंस बिटवीन जीन जो आपके पास मार्क की जाती है, वो मॉर्गन की कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हम बताते हैं सेंटी मॉर्गन। तो मॉर्गन को कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसने दी थी एग्जैक्टली लिंकेज के लिए, तो एक तरह से उसको पर्टिकुलरली रिवॉर्ड देने के लिए हमने दो जीन के बीच के डिस्टेंस को सेंटी मॉर्गन यूनिट्स की फॉर्म में लिखना शुरू किया। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको पक्का से पता होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए क्या चीज यहां से पता लगती है। देखो, अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन, द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो थी वो डिपेंड करती थी डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन इन अ क्रोमोसोम। क्या है, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसको बहुत कॉमन आपके पास डायग्राम के थ्रू बताया कि आपके पास क्रोमोसोम के बीच में जो आपके पास जीन आपके पास अवेलेबल है, उन जीन के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम की आर्म को क्रॉसओवर शो करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, मिक्सिंग ऑफ द करेक्टर जो है वो ज्यादा बेटर वे में हो पाएंगे, और आपके पास एग्जैक्टली में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आपके पास कहीं पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली में दो जीन के बीच के डिस्टेंस बहुत कम होंगे तो क्रॉसओवर हैपन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और अगर क्रॉसओवर हैपन होने के चांसेस कम हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल वैलिड नहीं हो पाएगा जो आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस में आता है, और उसी प्रकार से आपके पास प्रॉब्लम ये आना शुरू हो जाएगी जो करेक्टर आपके पास पेरेंट में है वही करेक्टर एज सच पूरा का पूरा 100% जो है किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, इनटू अ पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग। कोई भी ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर नहीं होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल वैलिड नहीं होगा। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। चलिएगा, जरा देखो, आपके पास जब डाई हाइब्रिड क्रॉस आपके पास अवेलेबल था तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास जो गेमीट बनते हैं टाइप में वो कितने बन रहे थे, ये सभी के सभी बन रहे थे, क्योंकि आपके पास F1 हाइब्रिड क्या आ रही थी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो आपके पास उसके बाद में कॉम्बिनेशन बनाए थे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये आपके पास टाइप ऑफ गेमीट आ गए। याद है 2 to the power n हमने बोला था फॉर्मूला कोट इन करेंगे जिससे हमें पता लगेगा टाइप ऑफ गेमीट कितने, लेकिन वो फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एग्जैक्टली में एक्सेप्शंस को हम डील नहीं कर रहे हैं, ये भी पक्का ध्यान दीजिएगा। तो n क्या था आपके पास, नंबर ऑफ हिटरोजाइगस स्टेट आपके पास F1 हाइब्रिड में कितनी आ रही है, तो ये एक हिटरोजाइगस स्टेट हो गई, ये दूसरी हिटरोजाइगस स्टेट हो गई, 2 to the power 2 = 4, तो हमें यहां पर दिख रहा है कि 4 टाइप ऑफ गेमीट हमारे पास में बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जब आपके पास लिंकेज का फंडामेंटल यूज होगा तो लिंकेज के दौरान में एग्जैक्टली में आपके पास कोई ओवरलैपिंग ऑफ एग्जैक्टली क्रोमोसोम नहीं होने वाली है, तो जो आपके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको यहां पर दिख रही है वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली में आपको गेमीट में भी दिखेंगी। तो आपके पास यहां पर गेमीट कितने बनेंगे, 2, और आपके पास नॉर्मली जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल वैलिड होती है तो टाइप ऑफ गेमीट कितने बनते हैं, दैट इज 4। अब यहां से क्या चीज याद रखनी है, यहां से ये चीज हमें याद रखनी है कि आपके पास एग्जैक्टली में अगर कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के दौरान में आपके पास टाइप ऑफ गेमीट बन रहे हैं 4, तो बताइए लिंकेज के दौरान में टाइप ऑफ गेमीट कितने बनेंगे, तो हमेशा उसका 50%। ये आपने रूल ऑफ रेगुलेशंस आपने याद रखने हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पेरेंटल जो आपके पास में कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील आपको मिलेंगी वही आपके पास कॉम्बिनेशन आपके पास ऑफस्प्रिंग के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी क्रॉसओवर हैपन नहीं होगी बीच में। लेकिन जरा सा फिर से थोड़ा सा आगे जाकर आप इस चीज को देखें तो मैं इस चीज को थोड़ा सा और लेवल को
आगे बढ़ाकर आपको बताता हूं, जरा देखिएगा। यहां देखिए टाइप ऑफ लिंकेज के बारे में लिखा हुआ, और दो तरह की लिंकेज लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है कंप्लीट लिंकेज होती है और एक इनकंप्लीट लिंकेज होती है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो देखो क्या लिखा है कंप्लीट लिंकेज में, लिंकेज इन विच जीन्स ऑलवेज शो पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब यह हुआ कि क्रॉसओवर कभी हुआ ही नहीं होगा, ठीक है, तो आपके पास नए कॉम्बिनेशन कभी बनेंगे ही नहीं। जैसे आपके पास इस वाली स्लाइड के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये आपके पास में नए कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और ये आपके पास पेरेंटल टाइप है, तो आपके पास जब भी कंप्लीट लिंकेज की फंडामेंटल फॉलो होगी तो जीन जो होंगे वो हमेशा पेयर्ड होंगे, और जीन हमेशा एग्जैक्टली में कभी भी क्रॉसओवर का रूल फॉलो नहीं करेंगे, क्रॉसओवर हमेशा एब्सेंट होगी, नई कॉम्बिनेशन आपको कभी भी बनते हुए नहीं दिखेंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर आपके पास जो जीन होते हैं क्रोमोसोम में वो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ सिचुएटेड होते हैं, और आपके पास ऐसी पर्टिकुलर जो लिंकेज है वो रेयरेस्ट है आपके पास पर्टिकुलर नेचर के अंदर, बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट। तो मेल ड्रोसोफिला और फीमेल जो सिल्क मॉथ होते हैं वही एग्जैक्टली में आपके पास कंप्लीट लिंकेज का फंडामेंटल शो करते हैं। दूसरी जगह पर इनकम्प्लीट लिंकेज आती है। अब इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, आपके पास जीन जो आपके पास क्रोमोसोम के ऊपर पाए जा रहे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस अवेलेबल है, इसका मतलब चांसेस ऑफ अक्रिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके पास में अवेलेबल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रॉसओवर हो रहा होगा, ये आपने पक्का से ध्यान रखना है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, व्हेन न्यू कॉम्बिनेशन ऑल्सो अपियर अलॉन्ग विद द पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन ऑफस्प्रिंग, दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज बीइंग टर्म्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज। द न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म ड्यू टू क्रॉस ओवर द परसेंटेज ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर। ध्यान दीजिएगा क्या चीज लिखी गई है, जो आपके पास न्यू कॉम्बिनेशन बनने की परसेंटेज होगी वो क्रॉस ओवर कितना आपके पास हुआ होगा उसके टोटली बराबर होगी, ये आपके पास पक्का से आपको ध्यान होना चाहिए। तो मेज के अंदर आपके पास इनकम्प्लीट लिंकेज जो थी वो हचिंसन ने आपको दिखी थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक चीज यहां से क्या चीज पता लगती है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक पर्टिकुलर मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। ये क्रोमोसोम है जी, मान लीजिए ये क्रोमोसोम में ये आपके पास जीन ए है और ये जीन आपके पास बी है, ठीक है, तो इन दोनों जीन के बीच में आपके पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान के चल रहे हैं आपके पास मान लीजिए 5 सेंटीमॉर्गन यूनिट है, ठीक है, तो 5 सेंटीमॉर्गन यूनिट के बीच में ही एग्जैक्टली में क्रॉसओवर होगी ना, इससे ज्यादा क्रॉसओवर तो हो नहीं सकती है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन जो जीन है वो आपके पास ज्यादा है ही नहीं। तो चांसेस ऑफ अक्रिंग ऑफ अ क्रॉसओवर और द परसेंटेज ऑफ क्रॉसओवर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आपके पास कितना आपके पास जीन के बीच का डिस्टेंस है। ध्यान दीजिए फिर से हम क्या चीज कहने वाले हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं ये कहने वाला हूं कि आपके पास 1% क्रॉसओवर हुआ, हम ये कहने वाले हैं कि अगर 1% क्रॉसओवर हुआ है इसका मतलब 99% आपके पास टाइम्स ऐसा होगा कि क्रॉसओवर हैपन नहीं हुई होगी, इसका मतलब अगर 99% अगर टाइम्स में क्रॉसओवर नहीं हुई हुई है इसका मतलब 99% ऑफ द टाइम कोई नए कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे। इससे ये समझे, अगर 99% ऑफ द टाइम्स कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं नए वाले, तो एग्जैक्ट वो आपके पास में जो लिंकेज है वो कौन से वाली है, कंप्लीट लिंकेज। और इसका मतलब आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए, अगर 50% ऑलमोस्ट या 50% से ज्यादा नए कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखाई पड़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि वो वाली जो लिंकेज है वो कौन सी वाली है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। फिर से देख ले मैंने क्या चीज कही, परसेंटेज ऑफ क्रॉसओवर आपको डिसाइड कर देने वाला है कि कंप्लीट लिंकेज होगी कि इनकम्प्लीट लिंकेज होगी। अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ क्रॉसओवर 50% या 50% से ज्यादा होगी
तो आप ये कहेंगे क्रॉसओवर होने की टेंडेंसी बहुत बढ़िया है, नए कॉम्बिनेशन बनने की टेंडेंसी बहुत बढ़िया है, और नए कॉम्बिनेशन तभी बनेंगे जब क्रॉसओवर बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर बहुत ज्यादा है और होमोलोगस क्रोमोसोम की आर्म बहुत आसानी से ओवरलैप कर लेती है और सेग्रीगेशन आपके पास क्रोमोसोम के अंदर बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये आपने पर्टिकुलर ध्यान देना है कि परसेंटेज ऑफ क्रॉसओवर से आप डिसाइड करेंगे कि लिंकेज कंप्लीट है या आपके पास इनकंप्लीट है। अब चलिएगा उसके बाद देखें थ्योरी ऑफ लिंकेज के अकॉर्डिंगली हुआ क्या था। सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम जो है वो लीनियरली लोकेटेड होते हैं आपके पास क्रोमोसोम के ऊपर, दे गेट सेपरेटेड इफ एक्सचेंज और क्रॉसओवर टेक प्लेस बिटवीन देम, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जो लिंकेज होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन जीन। अब सिंपल सी बात है जी, देखो अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन जो है वो आपके पास ज्यादा होगा तो क्या लिंकेज होने की टेंडेंसी होगी ज्यादा? नहीं होगी ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब आपके पास डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्यादा होगा तो क्रॉसओवर हैपन होने के जो चांसेस होंगे वो भी ज्यादा होंगे। अगर क्रॉसओवर ज्यादा बेटर होगी तो नए रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, और नए रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे इसका मतलब ये होगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे एज सच में आपके पास में ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होकर नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मिक्सिंग ऑफ जीन या मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर आपके पास हमेशा हैपन हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन द क्रोमोसोम। इट मींस इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज रिड्यूस्ड। इट प्रूव्स दैट ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन जीन द ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्रॉसओवर, जो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर आपके पास क्रॉसओवर या लिंकेज को इफेक्ट करते हैं, तो वो है आपके पहले डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा क्रॉसओवर बढ़ेगी, लिंकेज घटेगी, क्योंकि मैंने अभी अभी बता दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। जितना आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होगा लिंकेज उतनी ही कम होगी, क्योंकि आपके पास क्रॉसओवर हैपन होती रहेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रॉसओवर बढ़ेगा, लिंकेज आपके पास डिक्रीज होगी। एक्सरेज अगर आपके पास में किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर डाली जाएंगी तो क्रॉसओवर हैपन होने के चांसेस फिर से ज्यादा हो जाएंगे, क्रॉसओवर कम होगी। जब जब एज बढ़ेगी तो क्रॉसओवर हैपन होने के चांसेस कम होते जाएंगे, लिंकेज आपके पास ज्यादा होती जाएगी। अब यहां पर लिखा हुआ है सेक्स के अकॉर्डिंगली, तो मेल सेक्स के अंदर आपके पास क्रॉसओवर जो है वो आपके पास कम होती है एज कंपैरिजन टू द फीमेल, आपके पास क्रॉसओवर। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान रखते हुए चलना है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, क्रॉसओवर इज टोटली एब्सेंट इन मेल ड्रोसोफिला। ध्यान दीजिए, मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसओवर हैपन होती नहीं है, इसीलिए मैंने जब अगली स्लाइड में आपको ये चीज दिखाई तो मैंने कहा कंप्लीट आपके पास जो लिंकेज होती है वो आपके पास रेयरेस्ट है नेचर में, और सिर्फ मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क मॉथ में पाई जाती है, इसके अलावा ये आपको नहीं मिलेगी। ये ध्यान देते हुए चलना है। लिंकेज ग्रुप क्या है, ऑल द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप। जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम आर अलीलिक, सो वी कंसीडर वन लिंकेज ग्रुप। अब देखिएगा लिंकेज ग्रुप किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ हैप्लोइड आपके पास क्रोमोसोम्स, ठीक है, नंबर ऑफ हैप्लोइड क्रोमोसोम, ये दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, हैप्लोइड नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आपके पास जितने होंगे उसके इक्वल आपके पास दैट इज लिंकेज ग्रुप होंगे। जैसे आपके पास ह्यूमन के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, दैट इज 46 या 23 पेयर, तो आपके पास में एन क्या होता है, दैट इज पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से आप क्या समझते हैं, दैट इज पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। 2n से क्या समझे, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। तो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल ऑलवेज बी इक्वल टू कि आपके पास कितने लिंकेज ग्रुप है। तो आपके पास अगर 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर हैं तो पेयर में कितने होंगे, 23, दैट इज मीन बाय उसका एन कितना हुआ 23, इसका बाय लिंकेज ग्रुप आपके पास ह्यूमन के अंदर कितने हैं, दैट इज 23। माउस के अंदर देखेंगे जाकर तो आपको मिलेंगे कि 42 क्रोमोसोम्स हैं, पेयर कितने बने 21, तो आपके पास एन कितना हुआ 21, तो एन विल ऑलवेज बी इक्वल टू लिंकेज ग्रुप। तो आपके यहाँ लिंकेज ग्रुप कितने हैं माउस के अंदर, दैट इज 21। फ्रॉग के अंदर सेम आपके यहाँ 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 13 पेयर है, तो 13 पेयर इज इक्वल टू अ लिंकेज ग्रुप, दैट इज 13 आपके पास लिंकेज ग्रुप आ जाएंगे। मेज में आपके पास 20 क्रोमोसोम है,
10 पेयर हो गए, 10 पेयर इज इक्वल टू अ लिंकेज ग्रुप, तो 10 आपके लिंकेज ग्रुप मेज में है, पी के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं, 7 पेयर आ गए तो 7 आपके पास लिंकेज ग्रुप अवेलेबल हो जाते हैं। यहां पर एक चीज थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, वो है न्यूरोस्पोरा क्रेसा में, तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा में टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो 14 होते हैं और आपके पास जो पेयर्ड फॉर्म में आएंगे वो 7 आते हैं और आपके यहाँ लिंकेज ग्रुप इसीलिए आपके पास निकल कर आएंगे, दैट इज 7। बैक्टीरिया के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है इसीलिए आपके पास लिंकेज ग्रुप भी कितना आएगा, दैट इज टोटली 1। तो ये आपने ध्यान देते हुए चलना है। अब देखो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है लिंकेज के डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज में तो डिस्टेंस ही नहीं होगा आपके पास जीन के बीच में, सिर्फ इनकम्प्लीट लिंकेज में डिस्टेंस बिटवीन जीन के बारे में आप पता कर सकते हैं। और मैंने कहा था डिस्टेंस बिटवीन जीन आपके पास सेंटीमॉर्गन यूनिट में हमेशा लिखी जाएगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसओवर, ये पक्का से ध्यान देते हुए चलिएगा।